हाँ दोस्तों, हर गंगे उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। ये जो मार्ग अभी देखे हैं, ये रोपवे का मार्ग है जो माँ मनसा देवी को जाता है। यहाँ से हम रोपवे के थ्रू माँ मनसा देवी के पावन दर्शन कर सकते हैं। अभी हम आपको मार्केट का दृश्य दिखा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। आप देख सकते हैं हर शॉप में लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको सभी तरह के शॉप मिल जाएंगे। इस मार्केट को अपर रोड मार्केट कहते हैं। दोनों ओर आपको काफ़ी अच्छे से शॉप और खाने पीने की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। होटल भी मिल जाएंगे, धर्मशाला भी मिल जाएंगे। धर्मशाला होटल का नंबर आपको इसी में अभी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला है, और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे हैं ये, और आप देख सकते हैं इनकी हाइट और इनकी हाइट में कितनी अंतर है। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु अभी आ रहे हैं और जा भी रहे। धूप तो आप देख ही रहे हैं कितना है यहाँ पे। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा अभी लग रही है यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी दृश्य ऐसे शॉप के देखने को मिलता है। यहाँ से हम माँ मनसा देवी के पावन दर्शन पैदल यात्रा से कर सकते हैं ये रास्ता। और जो पहले मैंने दिखाया है वो उलन खटोला का रास्ता, रोपवे का रास्ता था। आप देख सकते हैं पैदल यात्रा के लिए कितने सारे लोग यहाँ पे हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ मंदिर में होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि माँ मनसा देवी चढ़ाई करने के लिए भी हमें क्या कोविड की नेगेटिव कॉपी की ज़रूरत पड़ रही। तो मैं बता दूँ, कोविड की नेगेटिव कॉपी की ज़रूरत हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अलावा हरिद्वार में कहीं भी आपको नहीं पड़ेगी। ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसे काफ़ी सारे शॉप यहाँ पे मिलेंगे जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती बिखेरे होते हैं। हम इस मार्केट में अगर शाम के टाइम घूमे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और काफ़ी सुंदर दृश्य भी देखने को मिलती है शाम के टाइम। गंगा आरती के टाइम अगर हम जाते हैं और आते हैं उस टाइम का दृश्य तो काफ़ी ज़्यादा लुभावना होता है। इस मार्केट का चारों ओर लाइटिंग ही लाइटिंग आपको देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती है। ये हम आ गए हैं माँ मनसा देवी के रोपवे के रास्ते के पास। यहाँ से हम माँ मनसा देवी के पावन दर्शन रोपवे कर सकते हैं। थोड़ी सी हाथी घोड़ी का दृश्य जो आसपास का होता है आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए थे, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सुंदर दृश्य देख सकते हैं। ये उनका हाथ पकड़ कर पीछे में हरकी पौड़ी क्षेत्र का समस्त प्रबंध श्री गंगा सभा रजिस्टर हरिद्वार भी करती है। जो भी श्रद्धालु माँ गंगा जी के धार्मिक कार्यों के लिए दान देना चाहते हैं, श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार को याद रखें। श्री गंगा सभा के प्रचारक विभिन्न स्थानों पर टेबल कुर्सी लगाकर बैठे।